शासन के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष प्रिंस राठौर। सीहोर में सुखी सीवन नदी के अंदर प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रिंस राठौर को और नागरिक नदी के जीर्णोद्धार के लिए कर रहे मांग। मौके पर अधिकारियों के न पहुंचने पर नदी के पुल पर किया चक्का जाम, प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर अजय गुप्ता ने सबको बुलाया, आंदोलनकारियों को मिलने के लिए बुलाया और दिया मिट्टी हटाने का आश्वासन। अंत में कहा, लेकिन जीर्णोद्धार होगा आने वाले साल में। संतोष मीणा की रिपोर्ट, नसरुल्लागंज, आज की आवाज। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस राठौर। आज सीवन नदी तट पर आप जो सांकेतिक धरना दे रहे हैं, किस प्रकार का धरना है? धरना हम इसलिए दे रहे हैं कि जो सीहोर में जीवन दायिनी का स्वरूप थी सीवन नदी, वो आज नाले की शक्ल उसने ले ली है। उसका कारण जिला प्रशासन का स्वच्छ रवैया है। तो जिला प्रशासन को हम इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और उनको ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि सीवन नदी में बहुत सारा काम होने बाकी है। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका? जब तक जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति, कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आकर हमें ये बात नहीं बता देता कि वो यहाँ का उद्धार कब तक करेगा, कब तक गहरीकरण करेगा, तब तक ये धरना। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हमारी ये मांग है कि सीहोर के सारे जल स्रोतों की गहरीकरण हो, साथ साथ उसकी सफाई हो।